नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हाँ सेकंड न्यूज चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो यूपी लाए हैं और यूपी का पढ़ेंगे हम कि पक्षी विहार और वन्यजीव अभ्यारण। तो हम समझते हैं पक्षी विहार और वन्यजीव अभ्यारण। ये ब्लैक कलर में जितनी भी जिलों के नाम लिखे हैं ये पक्षी विहार है हमारे, और ये जो ब्लू में जितने भी लिखे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के नाम ये हमारे वन्यजीव विहार है। पक्षी विहार जिसमें केवल ठीक पक्षियों से संबंधित है, वन्यजीव जिसमें भी ठीक टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे बड़े बड़े जीव है। तो हम पहले समझते हैं पक्षी विहार। तो पक्षी विहारों में हम सबसे पहले समझते हैं किसको, ये गाजियाबाद है। गाजियाबाद में कौन सा है, ठीक ओकला पक्षी विहार। गाजियाबाद जो कि दिल्ली से पूर्ण तरीके से लैंडलॉक है, ठीक है ना, दिल्ली से पूर्ण तरीके से लैंडलॉक है। तो गाजियाबाद जहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता है और सबसे कम लिंगानुपात भी है, सॉरी हाँ लिंगानुपात भी है, सबसे अच्छा लिंगानुपात जौनपुर में है। तो गाजियाबाद में कौन सा, ओखला पक्षी विहार। गाजियाबाद के नीचे है कि अलीगढ़, इसका वर्तमान नाम कहते हैं इसको हरिगढ़, हरिगढ़ कहते हैं अलीगढ़ को। ये प्रस्तावित है कौन सा, शेखा राष्ट्रीय पक्षी विहार। ये आगरा है, आगरा में सुस्थिति कौन सा है, सुर सरोवर पक्षी विहार। महोबा विजय सागर पक्षी विहार, ठीक है। इसके बाद यहां से आते हैं एटा। एटा में कौन सा है, पटना पक्षी विहार, सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, पटना पक्षी विहार जो कि एटा जिले में है। मैनपुरी में कौन सा है, समान पक्षी विहार। कन्नौज में लाख बहुत सी पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, कन्नौज में लाख बहुत सी, ठीक है, पक्षी विहार। सबसे छोटा कौन सा, एटा में पटना पक्षी विहार। इसके बाद हरदोई में स्थित साड़ी पक्षी विहार। इसके बाद उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार जो कि प्रदेश का पहला पक्षी विहार था, 1984 में स्थापित हुआ था। ये कहाँ पर है, उन्नाव जिले में नवाबगंज पक्षी विहार प्रदेश का पहला पक्षी विहार है, जिसका नया नामकरण क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहते हैं इसको नया नामकरण, ठीक है। रायबरेली में कौन सा समस्तपुर पक्षी विहार। प्रतापगढ़ बेती पक्षी विहार और अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। बलिया सुरहाताल पक्षी विहार बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, जहां पर गंगा का अंतिम जिला यही है बलिया, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, पूर्वी बिंदु कहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश पक्षी विहार भी है, दो है मतलब, ठीक है, सुरहाताल पक्षी विहार और लोकनायक पक्षी विहार भी है। इसके बाद संत कबीर नगर बखीरा। गोंडा पार्वती आरंगा पक्षी विहार कहाँ है, गोंडा में है। हरदोई में कौन सा है, साड़ी पक्षी विहार। तो ये सब हमारे जो ब्लैक में थे ये हो गए हमारे पक्षी विहार। अब देखते हैं वन्यजीव विहार। तो सबसे पहले देखते हैं हम किसको, सबसे पहले चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि कहाँ पर, चंदौली में प्रथम वन्यजीव विहार था। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा, चंद्रप्रभा वन्यजीव जो कि चंदौली में है। इसके बाद फिर मिर्जापुर को देखते हैं, मिर्जापुर, ठीक है, कैमूर वन्यजीव विहार, मिर्जापुर में क्या, कैमूर वन्यजीव विहार है। क्योंकि कैमूर क्या है, विंध्याचल पर्वत की, ठीक है, चोटी है, बारनेर कैमूर पारसनाथ, तो कैमूर के नाम पर कैमूर वन्यजीव विहार है। चित्रकूट में कौन सा, रानीपुर वन्यजीव विहार। चित्रकूट में कौन सा है, रानीपुर वन्यजीव विहार, चित्रकूट जहाँ पर कामतानाथ की परिक्रमा होती है। इसके बाद वाराणसी में कौन सा, कौआ वन्यजीव अभय, कौआ वन्यजीव विहार की विशेषता ये है, विश्व का पहला कछुआ वन्यजीव विहार है, ठीक है। साथ ही प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन सा, कछुआ वन्यजीव विहार। किधर है ये आपका आता है वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी मतलब प्राचीन नाम काशी। महाराजगंज में सुहागी वर्ग, ठीक है, बरवा वन्यजीव विहार, सुहागी वन्यजीव विहार। इसके बाद आ जाओ बलरामपुर, सोहेलवा वन्यजीव विहार। ये चूंकि सोहेलवा है ना, जो श्रावस्ती बलराम के बॉर्डर पर है, सीमा पर है दोनों की। लखनऊ में कोकरेल वन्य घड़ियाल विहार है,
कुकरेर वन घड़ियाल, ठीक है, कहां पर है ये? लखनऊ में। बहराइच, कर्तनिया घाट, कर्तनिया घाट वन जीव विहार, कहां पर है ये? बहराइच। खीरी, लखीमपुर खीरी कहते हैं प्रदेश का पहला वन जीव विहार, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट भी है, पहला टाइगर प्रोजेक्ट है। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो कि ये कब स्थापित हुआ था? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित हुआ था, प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही साथ 1987 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट आया था, वन ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट मतलब बाघ परियोजना आई थी दुधवा में, ठीक है। प्लस क्या क्या है? किशनपुर वन्य जीव विहार भी है लखीमपुर खीरी में, देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। लखीमपुर क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का। पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व, प्रदेश का कब है तीसरा टाइगर? 2014 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था, ठीक है ना, 2014 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। जब ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था किसको? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, ये प्रदेश का तीसरा ये है। जब टाइगर रिजर्व शामिल किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया था, तो देश का 45 वर्तमान में 50 टाइगर प्रोजेक्ट है देश में वर्तमान में, और 50 टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ये 45वां टाइगर प्रोजेक्ट हुआ राष्ट्रीय उद्यान का। बिजनौर में कौन सा है? अमरगढ़ टाइगर रिजर्व, प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व। तो पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था हमारा? पहला टाइगर रिजर्व था हमारा दुधवा, दूसरा था हमारा अमनगढ़ जो कि बिजनौर में है, दुधवा लखीमपुर खीरी में है, और तीसरा कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं टाइगर रिजर्व। एक इटावा में चंबर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। ललितपुर में कौन सा? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ठीक है। चित्रकूट में कौन सा है? रानीपुर वन्यजीव विहार है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए हैं? ये जो थे ग्रीन कलर में, सॉरी ब्लू कलर में, ये हमारे थे वन्यजीव विहार। जो ब्लैक कलर में है ये सब क्या है? पक्षी विहार, ठीक है। कुछ एक दो महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीजें क्या है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 3 जगह है, ठीक है। साथ ही 13 पक्षी विहार है और 12 प्राणी उद्यान है उत्तर प्रदेश में। साथ ही प्रदेश में कानपुर और लखनऊ में प्राणी उद्यान की स्थापना की गई है। प्राणी उद्यान की स्थापना कहां पर? कानपुर और लखनऊ में की गई है। भारत का पहला अभयारण्य कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, जहां पर क्या है? टाइगर सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है, टाइगर सफारी का निर्माण, जो कि चीन और सिंगापुर के मॉडल पर आधारित होगा, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्यों का, सॉरी वन्यजीव विहारों का, साथ ही पक्षी विहारों का, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।